ये है अमरूद, गुड़हल और कॉस्मोस इस गमले में लगा हुआ था। और देखिए सारी रूट्स वन हो गई हैं, इनमें वो भी नहीं आ रहा फूल गुड़हल में, तो अमरूद का भी इसी में निकल आया, कॉस्मोस का भी हो गया, इतने सारे ये नौवजिया भी हो गई थी। तो मैंने कि फूल आ नहीं रहा, फ़ायदा क्या, लाओ इसको गोबर की खाद और ये सब मिला के सही करके लगाते हैं। ये देखिए ये सब बेकार हो गए, ये इसमें लकड़ी निकल रही है, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं नीचे किचन वेस्ट इकट्ठी करती रहती हूँ, ये देखिए किचन वेस्ट ऐसे छोटे छोटे उसमें डाल लेती हूँ और फिर अब आप देखिएगा इसमें क्या क्या है। देखिए चाय की पत्ती ऊपर दिख रही है आपको, ये देखिए प्याज आ गया, ये देखिए प्याज है, नींबू है, टमाटर है, ये सब मैंने इसमें डाल दिया नीचे। ठीक, अब इसको मैं ऊपर से मिट्टी और ये सब डाल दूँगी और गोबर की खाद डाल दूँगी, ये सब डाल दिया इसी में, गोबर की खाद डाल दूँगी नीचे, ये अपने आप सड़ता रहेगा। इसके ऊपर ये देखिए मैं मिट्टी लगा रही हूँ, मिट्टी डाल दूंगी, सब चलता रहेगा इसी में। और इसको मैं अलग अलग करके अभी पूरी वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हाथ तो गंदे होते हैं, कैमरा पकड़ने वाला कोई होता नहीं है, ये कॉस्मोस का निकाला तो वो इसमें लगा दिया और इसमें भी नीचे सब वो ये कचरा, ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब इसके ऊपर मैं हल्दी डाल दूँगी क्योंकि नीचे सब वैसे ही, इसमें हल्दी डाल दूँगी ताकि कोई भी इनकी जड़ों में इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि नीचे आपने देखा मैंने ताज़ा ही वो डाल दिया था। बस ऐसे करती हूँ और हो जाता है। मैंने कि आज पूरा दिखा दूँ फिर भी पूरा नहीं दिखा पाई। इसी गमले में ये वाला पेड़ भी लगा था कॉस्मोस का, तो ये मैंने निकाल दिया और गुड़हल और अमरूद का रह गया। अमरूद का भी अलग करूँगी लेकिन अभी देख रहा हूँ कोई गमला ही नहीं दिखा। अब धीमे धीमे इतने सब घने घने हो रहे हैं, एक उसमें पॉट में दो दो तीन तीन प्लांट लगे हुए हैं, तो अब जैसे ही व्यवस्था बनती है फिर करूँगी। आज एक तो अलग कर दिया और इसकी रूट बॉन्ड्स हो रही थी वो भी हटा दी। अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। थैंक यू गाइज।